अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। जो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कि इसमें प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स कैसे फाइंड करते हैं और उसके थ्रू हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं वी इंजन को। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे हमने जो जो टर्म्स यूज किए हैं उसका हम यहाँ पे डिनोटेशन करेंगे। पहले एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स पर सिलेंडर, एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोटेटिंग कनेक्टिंग रॉड। तो एल क्या है? लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। फिर क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ क्रैंक एंगल इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। स्मॉल एन इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक रेडियस। सो क्रैंक रेडियस और लेंथ, लेंथ और क्रैंक रेडियस का जो रेशियो है उसे हम बोलेंगे स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। सो एस स्मॉल एल बाई आर। फिर थीटा इज इक्वल्स टू इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक। ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। सो जैसा कि आप, ये फिगर है हमारा वी इंजन का, जो जिसमें ये जो लाइन है उसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ स्ट्रोक। ये जो वी शेप बनाया है वो वी शेप को हम पूरे को बोलेंगे लाइन ऑफ स्ट्रोक। सो इस साइड भी लाइन ऑफ स्ट्रोक लिख देंगे, इस साइड भी लिख देंगे। फिर ये पी क्यू, FP1, FS, FP1, FP1, FP2। FP1 मतलब प्राइमरी फोर्स और FS मतलब सेकेंडरी फोर्स। सो FS1, FS2, FP1, FP2, CPQO। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं आपके हिसाब से। फिर ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। इतने एंगल को बोलेंगे हम थीटा, जो है इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक। सो ये एक्स डैक्स ओ ओ एक्स एक्स डैश ओ एक्स। सो ये है वी इंजिन का फिगर। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको पहले टर्म्स टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं, फिर फिगर फिगर एक्सप्लेन करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे आगे। तो इनर्शिया फॉर ड्यू टू इनर्शिया फॉर नहीं सॉरी इनर्शिया इनर्शिया किसके वजह से? तो इनर्शिया ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ एलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक। लाइन ऑफ स्ट्रोक के अकॉर्डिंग इनर्शिया फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस टू अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई एन। सिमिलरली इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर टू, ये सिलेंडर वन के लिए हुआ, अब सिलेंडर टू के लिए क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस टू अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाई एन। आपको ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है। फिर इसको ही अल्फा माइनस थीटा के जगह सिलेंडर टू के लिए हम क्या कर देंगे? अल्फा प्लस थीटा कर देंगे, प्लस कॉस टू अल्फा माइनस थीटा बाई एन। फिर कंसिडरिंग द प्राइमरी फोर्सेस, प्राइमरी फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? प्राइमरी फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ सिलेंडर वन, सिलेंडर वन के अलोंग क्या होगा? एफ पी वन इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा माइनस थीटा। कंपोनेंट ऑफ एफ पी वन एलोंग वर्टिकल लाइन ओ वाई, वर्टिकल लाइन ओ वाई के का कंपोनेंट क्या होगा? तो कॉस कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अल्फा एंगल जो बना रहा है वो ओ वाई के रिस्पेक्ट में बना रहा है, इसलिए जो वर्टिकल लाइन ओ वाई का कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे हम? कॉस कॉम्पोनेंट। सो एफ पी वन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस सॉरी इंटू कॉस अल्फा। सो यहां तक क्लियर? देन नेक्स्ट नेक्स्ट होगा एंड कॉम्पोनेंट ऑफ एफ पी वन एलोंग हॉरिजोंटल लाइन ओ एक्स, वो हमने देखा था एलोंग एलोंग वर्टिकल लाइन ओ वाई। सिमिलरली यहां पे होगा अलोंग लाइन ओ एक्स एफ पी वन साइन अल्फा, साइन कॉम्पोनेंट आएगा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फा। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग एलोंग लाइन ऑफ सिलेंडर टू, तो सिलेंडर टू सिलेंडर लाइन ऑफ सिलेंडर टू में कौन सा फोर्स आएगा? एफ पी टू
प्राइमरी फोर्स हम लेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा प्लस थीटा। ओके, पिछले में हमने लिया था अल्फा माइनस थीटा, इसमें हम लेंगे अल्फा प्लस थीटा। सो सिमिलरली वर्टिकल लाइन ओ वाई के लिए क्या होगा, एफ पी टू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा। मतलब ये एफ पी टू की वैल्यू लिखेंगे, उसके साथ कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर वर्टिकल लाइन, और फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन साइन अल्फा कर देंगे। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा। सो टोटल प्राइमरी फोर्स एलोंग द वर्टिकल लाइन ओ वाई इज इक्वल्स टू एफ पी वी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा। सो वर्टिकल लाइन ओ वाई जो हमने ये वाला इक्वेशन और लास्ट पेज में जो देखा था वो वाला इक्वेशन, दो इक्वेशन है हमारे ओ वाई लाइन के। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा हम कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा इंटू टू कॉस अल्फा कॉस थीटा। सो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, एफ पी वी इज इक्वल्स टू टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको ही हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, इंटू कॉस थीटा। ओके, सो ये टोटल प्राइमरी फोर्स हो गया अलोंग वर्टिकल लाइन ओ वाई। अब आएगा टोटल प्राइमरी फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स। सो क्या आएगा यहाँ पे, एफ पी एच यानी एफ प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, एफ प्राइमरी प्राइमरी फोर्स का हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा, ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा दोनों में से, फिर आएगा कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा। सो आपको यहाँ पे पता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे इक्वेशन यूज किया है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होता है टू साइन अल्फा साइन बीटा। सो उसी तरीके से उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ने हमने ये लिखा हुआ है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा एज इट इज इंटू साइन अल्फा साइन थीटा। सो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन थीटा। सो एफ प्राइमरी क्या होगा, सो एफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू एफ पी वी, ये एफ होगा एफ पी वी, ओके एफ पी वी का स्क्वायर प्लस एफ पी एच का स्क्वायर। सो क्या होगा, टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर कंसिडरिंग द सेकेंडरी फोर्सेस, वी नो दैट सेकेंडरी फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर वन एफ एस वन इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस टू अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई एन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ एफ एस वन अलोंग वर्टिकल लाइन ओ वाई, जैसा कि हमने पहले किया था प्राइमरी फोर्स के लिए वैसा ही ओ वाई लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ एस वन कॉस अल्फा कॉस कंपोनेंट होगा अलोंग द वर्टिकल लाइन। सो एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस टू अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई एन इंटू कॉस अल्फा। सो एंड कंपोनेंट ऑफ अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स, ओ एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ एस वन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस टू अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई एन इंटू साइन अल्फा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ओ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट। सो सिमिलरली सेकेंडरी फोर्सन अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक अलोंग सिलेंडर टू, सिलेंडर टू में क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा माइनस थीटा के जगह हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, सो कॉस टू अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई एन। सो कंपोनेंट ऑफ एफ एस टू अलोंग द वर्टिकल लाइन ओ वाई क्या होगा, एफ एस टू कॉस अल्फा वर्टिकल लाइन है इसलिए इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस टू अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाई एन इंटू कॉस अल्फा। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी फोर्स अलोंग लाइन ओ एक्स, सो एफ एस टू साइन अल्फा, ओ एक्स में क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा, सो एम ओमेगा स्क्वायर आर
इंटू कॉस टू अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाई एन इंटू कॉस अल्फा। सो टोटल कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी फोर्स एलोंग एलोंग वर्टिकल लाइन ओ वाई, वर्टिकल लाइन में क्या होगा, एम बाई एन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा इंटू कॉस टू अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस टू अल्फा प्लस थीटा। सो कॉस कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा का फॉर्मूला है टू कॉस कॉस, ऐसा फॉर्मूला होता है। सो एम अपॉन एन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा इंटू टू एम टू कॉस टू अल्फा इंटू कॉस टू थीटा। सो फाइनली टू एम बाई एन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा कॉस टू थीटा। सो टोटल कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी फोर्स एलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स क्या आएगा, एफ एस एच इज इक्वल टू एम अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा माइनस थीटा, ये कॉस टू अल्फा माइनस थीटा ब्रैकेट में आएगा, सो प्लस कॉस टू अल्फा प्लस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आया। देन नेक्स्ट फाइनल क्या होगा, एम अपॉन एन इंटू ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा इंटू टू साइन टू अल्फा साइन टू थीटा। सो फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगा टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा इंटू साइन टू अल्फा इंटू साइन टू थीटा। सो रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स हमें क्या मिलेगा, एफ एस इज इक्वल टू सेम इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ एफ एस वी स्क्वायर प्लस एफ एस एच स्क्वायर। सो इज इक्वल टू टू एम अपॉन एन इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा कॉस टू थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन टू अल्फा साइन टू थीटा होल स्क्वायर। सो इस तरीके से हम सेकेंडरी फोर्स जो है एफ एस, सेकेंडरी फोर्स एफ एस और एफ वी फाइंड कर सकते हैं। एफ वी हमने एफ एस नहीं सॉरी एफ पी और एफ एस, तो प्राइमरी फोर्स हमने पहले फाइंड किया और लास्ट में हमने एफ एस फाइंड किया। सो रेडियल वी इंजिन के बैलेंसिंग के लिए आपको प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स का यूज करना पड़ता है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी आते हैं और मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दिए हैं डॉम टॉम न्यूमेरिकल्स नाम के प्लेलिस्ट में। सो आप पहले ये थियरी तैयार कर लीजिए और फिर इसके न्यूमेरिकल देख लीजिए, तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस देखने पसंद है तो आप इंस्टाग्राम पे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज प्लीज़ फॉलो दिस चैनल टू गेट टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़।